बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम उर्दू कॉपी में अपना काम स्टार्ट करेंगे। ये आपकी उर्दू कॉपी है और जुगनू बुक में भी हम काम करेंगे। पहले हम कॉपी में काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों? ओपन करते हैं कॉपी। हम मज़मून मैं कर रहे थे, जिसकी टू लाइंस मैं करवा चुकी हूँ आपको। ये तीसरी लाइन है इसकी, लेकिन ये ज़रा थोड़ी बड़ी है, तो मैंने दो लाइन तक इसको लिखा है। आप भी इसको इसी तरीके से राइट करेंगे, ठीक है बच्चों? अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे, 28/8/20, ठीक है? इसके बाद नीचे आ जाइए, पहला वर्ड है मैं। ये हमने पहले मैं ही लिखा था, असल में ये तो मैं के ऊपर है, तो हमें हर लाइन में हर लाइन इसी से शुरू होगी हमारी, मैं से। मीम की आधी शक्ल, ये की आधी शक्ल और नून गुन्ना। मैंने बताया था आपको नून गुन्ना में नुक्ता नहीं होता। मैं फाउंडेशन, दाल नीचे जाएगा और नून, फाउंडेशन टू मैं, अच्छा मैं और मैं दोनों की मतलब दोनों इसी तरह लिखा जाता है, लेकिन सिर्फ बोलने में फ़र्क होता है। मैं में अगर आप समझें तो मैं ज़ेर की आवाज़ आ रही है और मैं ज़बर की, ठीक है? मैं फाउंडेशन टू मैं पढ़ता हूँ। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने दोनों तरह से लिखा हुआ है, पढ़ता और पढ़ती, बीच में मैंने स्लैश डाला है। लड़के ये लिखेंगे और लड़कियाँ ये लिखेंगी, ठीक है बच्चों? अब मैं दोबारा लिखती हूँ, मैं फाउंडेशन टू में पढ़ता, पेड़े पढ़ और दो चश्मी है बनती है इस तरह से, और तय अलिफ्ता के साथ। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप इस तरह करके यहाँ पर इस तरह भी बना सकते हैं, पढ़ता हूँ, ठीक है? दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ से मैं दो लाइनें लड़कियों के लिए लिखूँगी, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि वो कैसे लिखना है। मैं फाउंडेशन टू में आपके लिए मैं आसानी से बता रही हूँ कि इस तरह आप दो चश्मी है बनाकर ते के दो नुक्ते ऊपर लगा देंगे तो पढ़ती बन जाएगा, पढ़ती हूँ, ठीक है? फिर दोबारा से देख लीजिए, मैं फाउंडेशन टू में पढ़ती हूँ। ओके बच्चों, आप लड़के जो है वो पूरा पेज पढ़ता हूँ लिखेंगे और लड़कियाँ पढ़ती हूँ। मैंने आप दोनों के लिए ये लिख के दिखा दिया है, आप लोग इस तरह मत लिखिएगा। हर वीडियो में मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है बच्चों? अभी हमारा कॉपी का वर्क कंप्लीट हो गया, अब हम बुक वर्क पे आ जाते हैं, ठीक है? तो
ओके बच्चों, अब हम जुगनू बुक में अपना काम करेंगे। सफ़ा नंबर 23, ठीक है, सफ़ा नंबर 23। सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे, 28/8/20। अच्छा, सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ लेते हैं, हरूफ जोड़िए, पेंसिल फेरिए और लिखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यानी हरूफ को जोड़ा जा रहा है, बा की आधी शक्ल है, फिर आ है, फिर बा को लिखना है और यहाँ पर मिला के लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वही काम है हमने जो काम पिछला किया था, ये खाको ओ से जोड़ा, फिर दा को, फिर दा को, फिर दा को, फिर हमने नए लफ्ज़ बनाए थे, लादो, डोला, बोला। आज हम उसके आगे काम करेंगे, यानी रे की फैमिली के साथ ओ को जोड़ेंगे, रा ओ रो, रा ओ रो। यहाँ पर हम पेंसिल फेरेंगे, रा ओ रो, रा ओ रो। अब यहाँ आप दो डॉट देख रहे हैं, इस डॉट से रा बनेगा, इस डॉट से वाओ, यानी ओ, रा ओ रो, रा ओ रो, रा ओ रो। आप देख रहे हैं कि दोनों वर्ड्स की आधी शक्ल नहीं होती, लेकिन हम इसको इस तरह ही लिख के इसी तरह पढ़ेंगे, रा ओ रो। अब ये है रे और वाओ, यानी रा और ओ, रा ओ रो, रा ओ रो। यहाँ हम हाथ फेरेंगे, पेंसिल फेरेंगे, रा ओ रो, रा ओ रो। ठीक है बच्चों, आगे हमें खुद लिखना है। यहाँ आप तीन डॉट देख रहे हैं, इस डॉट से बनेगी रे, इससे इसकी छोटी तोएं, और इससे वाओ, यानी रा ओ रो, रा ओ रो, रा ओ रो। अब इसका तीसरा भाई बनाना है, जा और ओ, ये रहा जा, ये है ओ, जा ओ जो। यहाँ हम पेंसिल फेरेंगे और ऊपर नुक्ता लगाएंगे जा के, और यहाँ ओ, जा ओ जो, जा ओ जो। यहाँ हमें खुद बनाना है, नुक्ता भी खुद लगाना है, इस डॉट से जा, इस डॉट से ओ, जा ओ जो, जा ओ जो, जा ओ जो। अब ये है जा, तीन नुक्ते वाला और ओ के साथ आ रहा है, यहाँ पर है जाओ जो। यहाँ हम पेंसिल फेरेंगे, नुक्ते लगाएंगे और उधर ओ बनाएंगे, जाओ जो, जाओ जो। यहाँ इस डॉट से हमें जा बनाना है, नुक्ते खुद लगाने हैं और यहाँ ओ बनाना है, जाओ जो, जाओ जो, जाओ जो। ओके, ये वाला हमारा पोर्शन कंप्लीट। अब हमें बनाने हैं अल्फाज, जैसे हमने कल बनाए थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रा ओ, ये वो वाला रा ओ है जो हमने पीछे लिखा था, और यह है नू ना आ ना, रो ना, यहाँ मिलाया तो बन गया रोना। अब हम इस पर हाथ फेर लेते हैं और लफ्ज़ बना लेते हैं, रा ओ रो, ना आ ना, रोना, रा ओ रो, ना आना, रोना। देखिए नया वर्ड बना। अच्छा, अब है ता ओ तो को रा ओ रो से जोड़ें, यानी ये तीर का निशान आपको नज़र आ रहा है, यानी ता ओ तो को रा ओ रो से जोड़ना है तो बनेगा तोड़ो। ये तो आपको पता है, बहुत फेमिलियर वर्ड है तोड़ो, ता ओ तो रा ओ रो, तोड़ो, ता ओ तो रा ओ रो, तोड़ो। नया वर्ड बन गया, एक बना रोना, दूसरा बना तोड़ो। अब हम तीसरा वर्ड बनाएंगे, मा आ मा, रा ओ रो, इन दोनों को मिलाया तो बन गया मारो। ये भी आपको पता है, क्योंकि मारो तो सब एक दूसरे को मारते ही रहते हैं ना, तो ये वो वाला वर्ड है, मा आ मा, रा ओ रो, मारो, मा आ मा, रा ओ रो, मारो।
आपका ये वाला पेज कंप्लीट हो गया। हमने तीन नए लव्स भी बना लिए। अब बच्चों आपको पता है इन्हीं छह वर्ड्स की हम आगे खुशखती करते हैं, तो आइए हम पेज नंबर 24 करते हैं, यानी 24। ये है आपका पेज नंबर 24, ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 24। और हम सबसे पहले इसमें डेट मेंशन करेंगे, आज डेट है 28/8/20। और इसमें है इसके आइकन्स देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है पढ़िए यानी पढ़ना है, फिर लिखिए यानी लिखना है, और लव्स बनाइए और लव्स भी बनाने हैं। और ये हम पुराना काम है, आप जानते हैं कैसे करना है। हम शुरू करते हैं। पहला वर्ड था लादो, जो हमने बनाया था। अब लादो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ला आ ला दाओ दो लादो। और ये याद रखिएगा कि दाल और वाओ लाइन से नीचे जा रहे हैं। ला आ ला दाओ दो लादो, ला आ ला दाओ दो लादो। अब दूसरा वर्ड था डोला, याद है ना आपको, ये वही वर्ड है, डा ओ डो ला आ ला डोला, डा ओ डो ला आ ला डोला। बच्चों आप भी पढ़ पढ़ के लिखिएगा, क्योंकि इस तरह आपको पढ़ना भी आएगा और याद भी हो जाएगा। डा ओ डो ला आ ला डोला। तीसरा वर्ड था बा ओ बो ला आ ला बोला, बाओ बो ला आला बोला, बाओ बो ला आला बोला, बाओ बो ला आला बोला। चौथा वर्ड था अभी हमने बनाया है पीछे, राओ रो ना आना, राओ रो ना आना रोना, राओ रो ना आना रोना, राओ रो ना आना रोना। पांचवा वर्ड है ताओ तो राओड़ो, ताओ तो राओड़ो तोड़ो। बच्चों इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि चाहे वाओ किसी वर्ड के साथ मिलकर आए या अलग आए, दोनों सूरतों में नीचे जाना है लाइन से, रा को भी और वाओ को भी। ताओ तो राओड़ो तोड़ो, ताओ तो राओड़ो तोड़ो। ओके आगे चलते हैं, लास्ट वर्ड हमारा है मारो, मा आ मा राओरो मारो, मा आ मा राओरो मारो, मा आ मा राओरो मारो। देखा बच्चों हमने खुशखती कर ली उन छह वर्ड्स की। अब हम इन्हीं छह अल्फाज को लफ्ज़ों को बनाएंगे कैसे। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ला आ ला को दाओ दो से मैच किया है, यानी मिलाया है ऐसे, और यहाँ पर लिख दिया है ला ओ ला आ ला दाओ दो। इसी तरह हम डाओ डो को ला आला से मिलाएंगे ऐसे और बनाएंगे डा ओ डो ला आला डोला। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ डा ओ डो लिखा हुआ है और यहाँ ताओ तो हम इसको इससे मिलाएंगे, और पहले हम ताओ तो लिखेंगे, ताओ तो डा ओड़ो तोड़ो, और इसको हम इससे पहले मिलाएंगे और लिखेंगे राओ रो ना आना रोना। बच्चों ये वही वर्ड्स हैं जो ऊपर हमने खुशखती किए थे, अब हम यहाँ बना रहे हैं मिला मिला के। अब हम बाओ बो को ला आ ला से मिलाएंगे और लिखेंगे बाओ बो ला आ ला बोला। अब हम मा आ मा को राओ रो से मिला के लिखेंगे मा आ मा राओ रो मारो। आपका ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, पेज नंबर 24 आपका कंप्लीट है। अच्छा बच्चों अब हम करते हैं पेज सफ़ा नंबर 25, ठीक है। यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे,
8, 20। और अब वही वाला काम है, हरूफ जोड़िए, पेंसिल फेरिए और लिखिए। हमने रा और रो की फैमिली, रा की फैमिली लिख ली थी। अब रा के बाद आता है सा, तो हम लिख हमें लिख सा को ओ से जोड़ना है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सा की आधी शक्ल है, फिर ओ है, फिर यहाँ मिला के लिखा है सो। यहाँ भी लिखा हुआ है सा ओ सो, सा ओ सो। हमें यहाँ हाथ फेरना है, सा ओ सो, सा ओ सो। और यहाँ हम डॉट से बनाएंगे सी, यानी सा सा और ओ मिला के सो, सा ओ सो, सा ओ सो। ये आपका सीन वाव से जुड़ गया, सा ओ सो बन गया। अब हमें इसी तरह शा और ओ को मिलाना है, शा ओ शो। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ हम हाथ फेरेंगे, शा ओ शो, तीन नुक्ते ऊपर लगाने हैं, शा ओ शो। अब यहाँ हम खुद बनाएंगे शा और ओ मिला के, और वाव नीचे जाएगा, सीन के तीन नुक्ते लगेंगे, शा ओ शो, शा ओ शो। अब यहाँ है स्वा, स्वा यानी स्वाद की आदि शक्ल को ओ से जोड़ना है, सा ओ सो, स्वा ओ सो। यहाँ हम हाथ फेरेंगे, स्वा ओ सो, सा ओ सो, ठीक है। और यहाँ हम खुद लिखेंगे इस डॉट से, स्वाद की आदि शक्ल को वाव से जोड़ा, सा ओ सो, स्वा ओ सो, स्वा ओ सो। डॉट से ही स्टार्ट करेंगे बनाना। अब है ज़ा, ज़ा के ऊपर एक नुक्ता होता है, पता है ना आपको। तो यहाँ से देख लीजिए, ज़ा ओ ज़ो, ज़ा ओ ज़ो। यहाँ पर हम हाथ फेरेंगे ऐसे और नुक्ता ऊपर लगा देंगे, इसी तरह यहाँ पर करेंगे, और यहाँ हम खुद बनाएंगे ज़ा ओ ज़ो, ज़ा ओ ज़ो, ज़ा ओ ज़ो। ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें अल्फाज बनाने हैं इन्हीं को जोड़ जोड़ के, जैसे देख सकते हैं आप, सा ओ सो को ना आ ना से मिलाना है इस एरो के, इस तीर के ज़रिए, तो बनेगा सा ओ सो ना आ ना सो ना, सा ओ सो ना आ ना सो ना, सा ओ सो ना आ ना सो ना। अब हम लिखते हैं सा ओ सो ना आ ना सोना, सा ओ सो ना आ ना सोना। अब दूसरा वर्ड बनाएंगे सा ओ सो और चा ओ चो। ये देखना तीर का निशान, यानी इसको मिलाया तो बना सा ओ सो चा ओ चो सो चो, सा ओ सो चा ओ चो सो चो, सा ओ सो चा ओ चो सो चो। अब हम यहाँ लिखेंगे, हाथ फेरेंगे, सा ओ सो चा ओ चो सो चो, सा ओ सो चा ओ चो सो चो। अब नीचे आ जाएं, ये है शा ओ शो और शा आ शा, शा ओ शो शा आ शा को मिलाना है इस तीर के ज़रिए। देखें यहाँ लिखा हुआ है शा ओ शो शा आ शा शो शा, शा ओ शो शा आ शा शो शा, शा ओ शो शा आ शा शो शा। यहाँ लिख लेते हैं, हाथ फेर लेते हैं, शा ओ शो शा आ शा शो शा, शा ओ शो शा आ शा शो शा। देखा बच्चों, हमने कितने अच्छे ये तीन वर्ड्स बना लिए हैं, जो हम पढ़ लेते हैं दोबारा, सोना सोना सोना, सोचो
सोचो सोचो, शोशा शोशा शोशा। ओके बच्चों, ये आपका सफ़ा ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब आप मुझे इसकी वीडियो बना के सेंड करेंगे, ठीक है बच्चों? अल्लाह हाफिज़।